दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गुरबिंदु होम्स पर। दोस्तों आज जो लोकेशन हम देखने आए हैं वाकई बहुत शानदार है, खास लोकेशन है। मौली के बीच में आपको इस लोकेशन आपको पड़ जाएगी। ये चंडीगढ़ खरड़ हाईवे के ऊपर है हमारा। जैसे हम फ्लाईओवर से उतरते हैं बिल्कुल राइट साइड पर हमारा प्रोजेक्ट आया है। 15 एकड़ की हमारी टाउनशिप रहेगी, एक खूबसूरत सी, जहाँ पर आपको CCTV कैमराज, गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी गार्ड्स और इसके अलावा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, यार बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मेन एंट्रेंस डोर है वहाँ पर आपको जो रहेंगे बायोमेट्रिक रहेंगे या फिर डिजिटल डोर्स आपके रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो घर रहेगा हमारा 1000 स्क्वायर फीट के अंदर रहेगा या 110 गज के अंदर हम कह सकते हैं। और यह सिर्फ 110 गज या 1000 स्क्वायर फीट की बात नहीं है, यहाँ पर जो हमारा 2BHK अपार्टमेंट है ये वाकई बड़ा स्पेशियस है। एक खुला सा अपार्टमेंट है, आप यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, जब आप देखेंगे इस अपार्टमेंट को आपको यकीन नहीं होगा कि यार इतनी अच्छी स्पेस और इतने अच्छे से मैनेज किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरे मजे लेंगे आज की वीडियो के। हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी अमेजिंग हाउसिंग वीडियोज हैं या क्रिएटिव डिजाइन हैं वो आपके कहीं स्किप मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने घर के मेन डोर पे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट के सामने और ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि वाकई बड़ा शानदार सा है, काफ़ी टॉल है, काफ़ी 9 फीट की हाइट तक जाता है रोशनदान के साथ। 3.5 फीट की आसपास इसकी विड्थ रहेगी, पूरा सनमाइका लगा हुआ है, कंप्रेस्ड है और उसके साथ हमारे पास ये प्रॉपर हमारा डिजिटल डोर जी, एक खूबसूरत सा दरवाज़ा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के अंदर जो कि हमारा अपार्टमेंट 110 गज के अंदर बना है, 1000 स्क्वायर फीट, काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा एरिया है और जो स्पेस को यूज़ किया वो बहुत अच्छा है। अब जो ड्राइंग डाइनिंग की जो स्पेस रहेगी आपका 18 फीट बाय 11 फीट रहेगा। और इसके अलावा जो इस तरफ हमारा डाइनिंग आया था एल शेप के अंदर वो अलग से, तो स्पेस बहुत अच्छे से यूज़ की गई है। आपका 5 सीटर यहाँ पर लगाया, अगर इसे हम 7 सीटर भी लगाना चाहें, देखिए स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है तो आराम से लग सकता है। यहाँ पर हमारी बड़ी सी खिड़की रहेगी और यहाँ से आप नज़ारा लीजिए, देखिए क्या बड़ा, बहुत ही शानदार बड़ा सा हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। स्पेस इसे बोलते हैं, एक अच्छे से मैनेज की गई स्पेस हो, लगन के साथ डिज़ाइन किया गया हो तो आपकी चीज़ हमेशा अच्छी बनती है। और दोस्तों ये जो खिड़की है ये आपके किचन में से है, अभी डिज़ाइनर अगर आप चाहते हो ऐसी लगे तो ऐसे रहेगी और अगर आप वॉल चाहते हो तो वो भी हो जाएगी, वो आपके ऊपर है। ठीक, यहाँ पर हमारा ड्राइंग एरिया, सॉरी डाइनिंग एरिया, इजीली आप अगर 4 सीटर भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो वो लग सकता है, स्पेस अच्छी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यार। पूरे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के अंदर स्पेस वाकई बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसको मैनेज किया गया है जी। और ठीक इस तरफ हमारी किचन आती है जो कि एल शेप के अंदर है, बड़ी ही अच्छी से डिज़ाइन की गई है, देखिए देखकर ही दिल खुश हो जाता है यार कि किचन को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एक खूबसूरत सा आपकी शेल्फ आती है, काउंटर टॉप आपका बहुत ही प्यारा सा दिया गया है, ब्लैक कलर के अंदर ग्रेनाइट है, काफ़ी अच्छी शाइन है इसकी। और ठीक इसके ऊपर जो हमें मिलते हैं यहाँ पर टाइल्स, उसके कलर और भी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन दिया गया इसको। देखिए क्या स्पेस है, वो काफी अच्छा है, हैवी मटेरियल यूज किया गया, ऐसा नहीं है कि बस यूज बना दिया और खत्म की, पूरे प्रॉपर समय कैबिनेट समय यहाँ पर सारे मिलने वाले हैं, सारे के सारे डबल लेमिनेशन रहेंगे और ये प्लाईवुड रहेगी हमारी सेंचुरी प्लाईवुड की तरफ से, तो काफी अच्छी चीज है। देखिए एक बार पैसा खर्च किया और चीज हमारी जो मिली वो सालों साल के लिए। ठीक ऊपर जो हमें मिलती है वो देखिए क्या प्यारा डिजाइन है यार, क्या बात है, ऊपर हमें पूरे कॉलम्स मिलेंगे, आपके कैबिनेट्स हैं जो हर तरीके के साथ, आप जितनी स्टोरेज करना चाहते हो यहाँ पर कीजिए, आपकी स्टोरेज में यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक यहाँ पर आपके जो है वो मिल जाता है आपको, वॉशिंग करके आप जो यूटेंसिल्स यहाँ रखते हैं वो सारा पानी निचड़ के इसके अंदर आता है और वहाँ से सीधा आपके जी हाँ आपके सिंक पे, सिंक हमें जो मिलता है यहाँ पर डबल सिंक मिलेगा, काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया और काफ़ी अच्छा मटीरियल है यार। देखिए आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, काफी हैवी चीज है। और यहाँ पर आपकी जैगुआर का भरोसा, एक डिजाइनर टैप, ठीक सामने हमारी खिड़की और गीजर के पॉइंट्स, आरओ के पॉइंट्स, तो हर चीज हमें यहाँ पर जो है वो पूरी मिल जाती है, कमी नहीं रहती है चीज के अंदर किसी में भी।
और सीलिंग पर जो डिजाइन है वो पूरे घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिया गया। और एक बहुत ही प्यारी सी चीज है ये आपका कॉमन वॉशरूम, जो कि हमें बहुत से घरों में मिसिंग लगता है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास आपका अपना कॉमन वॉशरूम है कि आपके बार बार गेस्ट को आपके बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से बहुत ही अच्छे टाइल्स के डिजाइन दिए गए हैं, जितने भी आपकी फिटिंग है वो सारी जैगुआर की और बहुत ही खूबसूरत सी रहने वाली है। आप देखिए, वॉल टाइल हो, फ्लोर टाइल हो, हर जगह पे आपको ब्रांड दिखेगा और एक बड़े अच्छे तरीके के साथ डिजाइन किया गया यार। ऐसा नहीं है कि बस बनाकर छोड़ दिया गया जी, नहीं, बहुत ही अच्छी चीज। इसके साथ हमारा बेडरूम जो कि रहेगा हमारा 11x14 का, सही है, काफी अच्छा साइज, 11x14 खूबसूरत सा साइज है आपका। इजिली बेड लगाने के बाद हमारे पास स्पेस ही स्पेस है यहाँ पर, हमें यहाँ स्पेस की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बेडरूम है वो 11x14 का है। वार्डरोब हमें इनबिल्ट मिलेगी, इसका मतलब यहाँ पर ये वार्डरोब जो हमारी जो है वो बेडरूम का साइज नहीं खाएगी। प्रॉपर आपके डीप है, काफी बड़े बड़े रैक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्या बात है, इसे बोलते हैं यार स्पेस। ठीक, आपके ऊपर सीलिंग की हाइट तक आपके जो है कैबिनेट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक साथ में खिड़की और एक दरवाजा। और दोस्तों, जो हमारा वॉशरूम था वो इस तरफ कॉमन, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और यहां से हमारे पास सारा दिन नेचुरल लाइट लेने के लिए जो है खिड़की और उसके साथ दरवाजा। नेचुरल लाइट लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए और मजे लीजिए। काफी अच्छा बैकयार्ड है, मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको आकर। वॉल्स पर काफी खूबसूरत से वॉलपेपर्स यहाँ पर लगे हैं, जितना भी काम है यार अप टू मार्क है, क्वालिटी वाली चीज है, कोई भी चीज यहाँ पर हमें हल्की नहीं मिलने वाली। और ये हमारा सेकेंड बेडरूम, वाओ यार, यहाँ पर तो देख के वैसे दिल खुश हो जाता है यार। जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि 110 गज के अंदर है सिर्फ। आमतौर पर ये जो डिजाइन होते हैं, स्पेस होती है, हमें 125 गज के अंदर मिलती है। प्रॉपर हमारी जो है वार्डरोब्स हमें यहाँ पर मिलती हैं डबल लैमिनेशन के साथ, और नीचे भी हमें जो है ड्रॉर्स पूरे मिलते हैं यहाँ पर, शू रैक और सीधा ऊपर वो भी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एरिया भी कवर हो जाए तो वो भी आपका हो जाएगा, ओपन ही रहेगा। प्रॉपर देखिए, आपका बेड बीच में लगाया, दोनों तरफ अलमीराज है, इसको बोलते हैं 6x6 का आपका बेड लगाया, दोनों तरफ अलमीराज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका सेकंड वॉशरूम जो कि काफी बड़ा है, काफी अच्छा साइज आपके वॉशरूम का और काफी अच्छा डिजाइन भी यार, बहुत ही खूबसूरत सी टाइल्स आपकी लगाई गई हैं और जो एक्सेसरीज लगाई हैं वो उससे भी अच्छी ही है। देखने के साथ ही यार दिल खुश हो जाता है कि हाँ, एक चीज है जो बहुत खूबसूरती के साथ लगाई गई है। काम जितना भी मिलेगा आपको मार्क मिलेगा यार, लेवल वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि यार आपको दिया और बनाकर छोड़ दिया गया। इनको बोलते हैं कि यार हमने एक बार खर्चा किया था और एक बहुत ही खूबसूरत सा घर लिया था, उसके बाद कभी खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, यहाँ भी हमें एक खिड़की मिलती है जहाँ से हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉशिंग एरिया, इधर आपके टैप्स लगे हैं, पावर पॉइंट है, काफी अच्छी स्पेस है यहाँ पर, बहुत ही खुला डुली स्पेस। और एक ये खास चीज, यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टोर है, जिसे आप चाहे तो पूजा रूम की तरह यूज कर सकते हैं या फिर स्टोर की तरह भी। और कैबिन से यहाँ पर बनाए, अगर आप चाहते हो तो आपको पूरी अलमीरा मिल जाए तो वो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा 2 BHK का होम जो कि 110 गज के अंदर बनाया, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज एक लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाजत लेता हूँ, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।